अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म बिल बॉटम का मंगलवार शाम को ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। यह फिल्म दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रही है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक प्लेन को हाईजैक किया जाता है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक अंडरकवर एजेंट का रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर में एक्टर की परफॉर्मेंस, विजुअल्स और म्यूजिक ने सबका दिल जीत लिया है। वहीं इस फिल्म का एक रोल जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, फिल्म में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का रोल करने वाली एक्ट्रेस मिस यूनिवर्स लारा दत्ता का ये रोल देखकर दर्शक चौंक से गए हैं। बाद में फैंस अलग से लारा दत्ता को पहचान ही नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा। लारा दत्ता के लुक को बनाने के लिए काफी हद तक प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल किया गया है। लोगों का कहना है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के रोल में लारा दत्ता है। लोगों का कहना है, मेकअप आर्टिस्ट को तो इस लुक के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। बिल बॉटम को 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि बिल बॉटम को 3D फॉर्मेट भी रिलीज किया जाएगा। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहे फैक्ट मीडिया के साथ।